आज मेरा बेटा सबसे बड़ी मुसीबत में है, सबसे बड़ी। माएँ अपने बच्चों को दुआ देती है, उनके तकलीफों में उनका साथ देती है, अपने कलेजे से लगा के रखती है, लेकिन मैं, मेरा बेटा जब गलती करता है तो मैं उसे गालियाँ देती हूँ, उसे थप्पड़ मारती हूँ। कहानी में हम बहुत आगे हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। ये क्या पड़ा है, इंजेक्शन? भैंस की शक्ति? लगता है डॉक्टर ने ये अपने लिए रखी है, पर समझ नहीं आ रहा भैंस की शक्ति लेके डॉक्टर क्या करेगा। अच्छा, शायद डॉक्टर की बीवी की मांग होगी। लोग अपनी बीवी को खुश करने के लिए क्या क्या करते हैं। एक काम करती हूँ, डॉक्टर के ग्लास में मिला देती हूँ, दवाई अंदर भी चले जाएगी और डॉक्टर को अपने सुई भी नहीं लगानी पड़ेगी। कितनी अच्छी हूँ मैं, कितना सोचती हूँ मैं सबके बारे में। आए हाय, डॉक्टर हो के ये सब क्या मैगजीन पढ़ रहा है? अरे मैडम, बावली हो गई हो क्या, इतने जोर से चिल्ला रही हो? अच्छा, मैं बावली हो गई हूँ? तू लोगों का इलाज करने आया है, ये सब पढ़ने आया है? अरे मेरी माँ, ये मैगजीन नहीं, पेशेंट्स की रिपोर्ट है। ये स्टाफ वाले को कुछ मिला नहीं चिपकाने के लिए, तो उन्होंने मैगजीन कवर चिपका दिया पेशेंट्स की रिपोर्ट पे। ओ अच्छा। वो सब छोड़िए, बताइए क्या हुआ है। ओए आंखें खोल अपनी। ये इसकी आंखों में क्या हो गया है? बताती हूँ। वो एक गंदी वीडियो भेजो भाई। हाँ भेजना मेरे भाई। भाई उसको ना अकेले देखियो और पूरे देखियो, और तुझे पता है उसमें क्या होता है? क्या उसमें उसका दोस्त उसे दारू पिला के ये सब करता है? हाँ भेजना मेरे भाई। भेज दिया। हाँ फोन रख, जल्दी मैं देखता हूँ। अरे बेटा देख ना, मेरे फोन में आवाज नहीं आ रही है। अरे मम्मी आपने फिर से साइलेंट पे कर दिया होगा। ठीक कर देना। अरे मम्मी मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट, तो बाद में कर दूंगा ना। अरे 2 मिनट ही तो लगेंगे। मम्मी मैं नहीं कर रहा, बाद में करूंगा। ठीक है, जब माँ मर जाएगी तब। लाओ दो, करता हूँ। मतलब आपके फोन की ब्राइटनेस इतनी तेज थी कि उसका रिएक्शन आपके बेटे की आंखों में हो गया है। ये तो पता नहीं, आप मेरे फोन की ब्राइटनेस खुद चेक कर लीजिए। नहीं, अपना फोन दूर रखिए मेरे से। ठीक है डॉक्टर, वायलेंट क्यों हो रहे हो? मम्मी डॉक्टर ने ब्रा पहनी है। क्या बकरा है? अरे ओए चुप। अरे सच में पहनी है। लगता है मेरे में सुपर पावर्स आ गई हैं। अब मैं किसी को भी बिना कपड़ों के देख सकता हूँ। आइए। हाँ जी, क्या हुआ है, क्यों आए हो? मुझे पता है क्यों आया है। इनका केला छोटा है और इनको छोटा केला पसंद नहीं है, तो इलाज करवाने आया है। अरे क्या बातें कर रहा है बेशरम तू आज। वाओ, सही पहचाना, मैं तो इसको कब का छोड़ देती, क्योंकि इसका केला छोटा है लेकिन पैसा मोटा है। क्या? अरे बेबी वो डोला डोला मोटा है, डोला। ओह अच्छा, आओ बैठो। बताओ कितना बड़ा करना है? एक हाथ जितना। इतना छोटा क्यों, बुर्ज खलीफा जितना लंबा कर दूं? अरे पागल हो गई हो क्या तुम, सिर्फ 6 से 7 इंच बढ़ सकता है। अच्छा ठीक है फिर 7 इंच ही कर दो। ये लो छिपकली के मूत का ऑयल, डेली मसाज करनी है केले की। और ये लो दवाई, सुबह शाम खानी है। इसको किसके साथ लेनी है? तुम्हें दूध आता है क्या? मतलब तुम्हारे घर में दूध वाला आता है? हाँ। तो दूध से लेनी है। ठीक है, मैं पैसे काउंटर पे जमा कर दूंगा। हाँ जी चलो। डॉक्टर इसका इलाज करो, ये पावर तो इसको बिगाड़ देगी, ये तो हर किसी को बिना कपड़ों के देख लेगा। क्या उम्मीद, नजरें डॉक्टर की तरफ रख। अच्छा एक मिनट, अभी आता हूँ। ये मेरी बीवी क्या क्या डेयर देती है, ब्रा पहन के क्लिनिक जाओ, मेरी कच्ची में हाथ दे के सो जाओ, डेयर की आड़ में इससे डाइवोर्स ले लूंगा तब मजा आएगा, लेकिन अभी बहुत सीरियस केस आया है उस पे फोकस करता हूँ। हाँ जी अब बोलिए, और तू ले चश्मा लगा।
अब मैं क्या बोलूं डॉक्टर, जो होना था हो गया, अब आप इसका इलाज बताओ ताकि ये ठीक हो सके। देखो पहले तो इसे एक डार्क रूम में 20 दिन के लिए बंद करना पड़ेगा। 20 दिन? मेरी माँ मेरे बिना 20 दिन कैसे रहेगी? बॉटल में पानी, कूलर में पानी और सिलेंडर कौन बदलेगा? ये जो आपने मेरा हाल बनाया ना, इसमें मैं केस कर सकता हूँ आप पे। चुप करके बैठ जाए इंसाफ के 14। और डॉक्टर अपने मुंह का ढक्कन क्यों बंद कर लेते हो बार बार, बताओ ना कोई इलाज। हाँ, अगर 20 दिन भी डार्क रूम में बंद रहा और कुछ हुआ नहीं तो इसकी आंखों में चारकोल या कोई सबसे प्योर ब्लैक सब्सटेंस आग में पिघला के आई ड्रॉप की तरह इसकी आंखों में डालनी पड़ेगी। इससे दर्द तो नहीं होगा ना डॉक्टर? अरे नहीं नहीं। हाँ फिर ठीक है, इसकी जान निकल जाएगी। एक तो अपने फोन से मेरा ये हल कर दिया, ऊपर से अब ये सब करना पड़ेगा, इतने दर्द से आना पड़ेगा, हरगिज नहीं। एक काम करता हूँ, यहाँ से भाग जाता हूँ। डॉक्टर आप ट्रीटमेंट शुरू करो। हाँ मम्मी, इतना दर्द झेलूंगा मैं? इतना दर्द झेलने वाला बनने है मैं? एक तो मेरे सामने बड़ा पाव गर्ल की हरकतें मत किया कर, समझा? झोला छाप डॉक्टर कहीं के। अरे अब क्या किया मैंने? ये कैसा चिपकली का मूत का ऑयल दिया है? अरे ठीक ही तो दिए, इससे मैंने इसकी मसाज करी तो इसका वो तो क्या, इसका वो क्या, ठीक से बताइए। अरे 3 इंच से 2 इंच हो गया है। डॉक्टर एक तो मैं पहले से डिप्रेशन में हूँ, ऊपर से और छोटा हो गया। अच्छा रुक बताता हूँ। देखो सीधा सीधा जवाब दो, तू शेर है या गीदड़? शेर हूँ शेर। हरकतें तो तेरी गीदड़ वाली हैं। डॉक्टर अरे भाई मेरा मतलब है जो गीदड़ होता है वो अपने शिकार की तरफ बढ़ता ही रहता है, रुकता नहीं है, लेकिन जो शेर होता है वो 2 कदम पीछे लेता है फिर शिकार करता है। तो आपका कहने का क्या मतलब है? अभी शेर ने कदम पीछे लिए हैं। मतलब शेर आगे बढ़ेगा बहुत तेजी से, और शेर से अच्छा शिकार तो कोई करता ही नहीं है, और आपके शिकार तो खुद शिकार होना चाहती हैं। देख रहा है कितना चालू डॉक्टर है, कैसे दोनों को बोतल में उतार रहा है। अगली बार मसाज लेगा ना तो सीधा 1 इंच की मूंगफली हो जाएगी इसकी, और उससे अगली बार पूरा फ्लैट। ए, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? ये मेरा क्लिनिक है, आपका घर नहीं जो जोर जोर से हंस रहे हो। ठीक है डॉक्टर, ठीक है। और ठीक है अगर आपको पसंद नहीं तो आप कोई दूसरा डॉक्टर। बस मुझे पूरा विश्वास है डॉक्टर तुम पे, बेबी चलो सब ठीक हो जाएगा। पक्का पक्का पक्का। अरे ये कच्चा पक्का बाहर जाई करो ना, दिख नहीं रहा मैं कितना सीरियस केस हैंडल कर रहा हूँ। ओके ओके डॉक्टर, बाय। ठीक है मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, और आपके हो गए हैं 5,000। क्या 5,000 इतना महंगा? इसकी बीमारी भी तो कितनी रेयर है। अच्छा ठीक है। लो आप लोग अब भी यहाँ बैठे हो? अरे जाइए चलिए। हाँ जा रहे हैं। अरे ये क्या कर दिया आपने मेरे साथ? क्यों पुत दिया हुंदिया? अरे कहाँ भाग रहे हो सालो, मेरे ये हाल बना के कहाँ भाग रहे हो?